दिन की शुरुआत होती है टूटी हुई परफ्यूम की बोतल के साथ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मुझे और सूरज को जाना है एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए, तो हम लोग जल्दी रेडी होना चालू हो गए। और मैंने जस्ट अपनी वो परफ्यूम का मैंने टेस्टर मंगवाया था नायका से, तो मैं उसको निकाल ही रही थी और फट से गिर गया वो मुझसे। और अभी सूरज गया हुआ है अपने हेयर कट के लिए, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। जैसे ही वो आएगा वैसे ही हम निकल जाएंगे। वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट यू नो ऑफ टाइम, तो बस वो जल्दी आ जाए। पूछेंगे, मैं भी ये सोच रही हूँ। क्या कर रही है? बादाम खा रही हूँ। पकड़ एक मिनट, मैं कुछ करती हूँ। यार एक तो एक कांच और है। आ गया सूरज। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। बाल कटवा लिए? लग तो नहीं, जल्दी लेट हो जाता ना इसलिए मैं बियर्ड कटवा के आ गया। आज मजे करने वाले हैं यार। सूरज क्या हो गया? इसने ना एक परफ्यूम की बॉटल को नीचे रख के तोड़ दिया। अरे जब भी देखो पूरे में खुशबू कैसे खुशबू आ रही है ना। वो एक्चुअली ना मैंने तोड़ा नहीं, मैंने बस लिया था हाथ में। वो टेस्टर था नया, पता नहीं वो टेस्टर की क्वालिटी बहुत बुरी है, उनकी पैकेजिंग बहुत खराब है। मैंने लिया और फिर हाथ से फिसला क्योंकि वो गीला गीला हो रहा था, उसका परफ्यूम निकल रहा था और देखा ओले पीटी हो रही है। तो मेरे को सुबह सुबह अच्छी है ना ये दिखाने के लिए पीटा। आज हम जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। यो इंटरव्यू जाने वाला है, मुझे नहीं पता। रेडियो सिटी। अच्छा, तेरा मुंह पे ना इतने बाल लग रहे हैं, साफ कर ले। तू नहाया नहीं ना? छी, चल ना क्या। अरे तो आया हूँ अभी भूख कर वेट पे, तो अब जाऊंगा ना नहाने। ओके यार, बदला पूरा हुआ भैया। आपने तो रिंग भी नहीं पहनी थी, क्यों मारा? आपने तो रिंग भी नहीं पहनी थी, मारा क्यों? वो मेरे हाथ कितने काले हो गए, वो दिखाने के लिए। हम लोग एकदम रेडी है इंटरव्यू के लिए। और पता क्या हुआ सीन है ना, टाइम हो चुका है और मैंने एकदम से कॉल किया। मैं सोचा मैंने कहा जाना कहाँ, ये तो पता ही नहीं है लोकेशन क्या है। फिर मैंने कॉल लगाया, प्लीज सेंड लोकेशन। और सामने से जो आरजे है उन्होंने भी बोला, उन्होंने भी यही बोला। मैं भी ये सोच रही थी यार ये आ रहे हैं इन्होंने, लेकिन लोकेशन ही नहीं मांगी, ऐसे कैसे आ रहे हैं ये? कितने गंवार है। नहीं बहुत जल्दी जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं वहाँ पर हम कुछ साल पहले गए थे। कितने साल में? 2 साल पहले गए थे ना? या ऑलमोस्ट 2 साल पहले। और मुझे अभी भी याद है यहाँ हम स्कूटी से आए थे। सूरज तो अभी बिलीव नहीं करेगा, जब मैं घर पर रेडी हो रही थी मेरे साथ एक चीज हुई। मैं ना जूतियाँ पहन रही थी, तो मैं कहा यार मेरे पैर काले हो जाएंगे। मुझे पता रेडियो के नाम से वो पुराना इंटरव्यू आता, तो पता मैं क्या सोच रही थी, हम स्कूटी से आ रहे हैं, मुझे एकदम ज्यादा बेवकूफ तो क्या सोच रही है। और मेरे को याद आया यार हम छोड़ा, अभी तो हम ठीक है कार से जाएंगे। तो इट्स अ होल जर्नी जो हमने वहां से यहाँ तक की है। और सच में उस टाइम हम लोग यहाँ पे स्कूटी से आए थे, उसके बाद वापस से वीडियो बनाने गए थे। हाउ टाइम फ्लाइज। और उस टाइम जो मैं आई थी मुझे अभी भी याद है, मैं ना मतलब नर्वस थी क्योंकि मैंने पहले कभी दिया नहीं था इंटरव्यू, ऐसे अंदर से बड़ी वैसे थी। आज आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ वापस आ रही हूँ और एक अच्छे उस पर जाकर। इतनी बड़ी यूट्यूब हमारी फैमिली हो चुकी है अब, उसके बाद हम यहाँ आए। इट फील्स रियली नाइस। यूट्यूब फैमिली इतनी बड़ी होगी तो कॉन्फिडेंट आएगा ना? सच में बहुत कॉन्फिडेंस आया हमारे अंदर। थैंक यू सो मच गाइस। चलो कैसे बात यार, आपकी वीडियो देखे मैंने। हम भी इनके फैन है देखो, और इनके वीडियोस देख के इतनी हंसी आती है। आज वो हम आपको लाइव दिखाएंगे वो चीज़ है। अच्छा पता है इनका इन्होंने इंस्टाग्राम पे नाम रख रखा है टशनबाज बिल्लो। और मैं हाँ, और पता है मैंने कॉल किया तो पता है गाना क्या चल रहा है? बिल्लो तू आ गया, बिल्लो तू आ गया। चलो लेट्स गो। स्टूडियो इज रेडी। यहाँ पे सिर्फ दो ही चेयर हैं, एक तेरी एक सॉरी एक उनकी एक मेरी। नहीं मुझे लगा तुम लोग बोलोगे एक सूरज की और एक ऋषि की, आप कब बैठोगे? गुड आफ्टरनून इंटरव्यू। और सूरज फंस गया है चेयर्स के बीच में। सूरज को माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। उस वीडियो के बाद से ना ये मेरे को पूरे टाइम सारे सारे एक्चुअली पता है ये बात जो आपने बोली ना वो मैं मेरे ब्लॉग हमारे ब्लॉग में कई बार बोलती हूँ कि सूरज को लखन नहीं है, सूरज को लखन नहीं है। और आपने वो चीज जब बोली ना तो हम लोग इतना रिलेट कर पाए। वो सूरज को बोल रहे थे। आई नो दैट, बट वो फिर हमारे उससे काफी रिलेट। उसी टोन में बोलते हैं सूरज को तो लखन ही नहीं है। और मिस बिहेवियर बहुत चल रहा है। हर आज का ना अपना एक स्टाइल होता है बोलने का, है ना? अच्छा वैसे ना अपन लोग थोड़ी जानवी कपूर नोज एवरीथिंग भाई, यहाँ पर ये नहीं रखी तारीफ करने की। एक तो ना कर लेनी चाहिए, मेरी तारीफ नहीं करता। अरे ऊपर ऑफ का बटन होगा ना? हाँ
ये रहा सबसे आगे ऑफ का बटन, थैंक यू तुझे बड़ा दिख जाएगा यहीं से ऑफ हो जाएगा ना, हो गया। अच्छा कैसा है इंटरव्यू? बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। अच्छा ना देखो, मेरे को ना हमेशा से बहुत वो रहती थी क्यूरियोसिटी कि क्या कैसे क्या चलता है, क्या होता है भाई, ये थोड़ा सा बताओ ना इसके बारे में हमारे को। देखो ये हमारा कंसोल होता है, दीज आर मॉनिटर्स। अच्छा मेरे को है ना बचपन में हमेशा सबसे ये होता था कि गाना कैसे चला देते हो आप लोग, बोलते रहते हो एकदम से फिर गाना चला दिया, वो गाना कैसे चल जाता है एकदम से? ये माइक होता है, माइक यहाँ से, ये जो आपको दो बटन लाल दिख रहे हैं ना, दिस इज समथिंग, जैसे अभी है ना उदित नारायण और अलका याग्निक का गाना चल रहा है, चीजें एक्चुअली बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, आप अगर पूरा मतलब इसको सीखना चाहते तो यू नीड टू ज्वाइन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, मुझे लगा आप कोई बटन ऊपर करेंगे और गाना चालू हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा, ये बहुत मतलब पैसे तो सीखो बकवास। व्हाट इज दिस यार? अच्छा मतलब ये एक्चुअली यार देखो इतने बटन से सिस्टम ही एक अलग में, इसको एक दिन में कोई नहीं सीख सकता। हाँ, हाँ। तो ये बस स्टिल मतलब यहाँ बैठे बैठे आप लोग ही करते हो ना इस चीज को। ये तो मैं आपको बताती हूँ, देखो मैं आपको दूसरे स्टूडियो में लेके चलती हूँ, लेट मी जस्ट टेक यू टू आवर अजमेर स्टूडियो। ओके, ये हमारा जयपुर स्टूडियो है ना। ओके, दो कदम पे अजमेर स्टूडियो है, ये हमारा बैकअप स्टूडियो है, मतलब यहाँ से जितने भी आप एड्स वगैरह सुनते हो okay. सब यहाँ शूट होता है। द पर्सन इज नॉट हियर, चाय वाय पीने गए होंगे, वो पूरा स्टूडियो है। ओके नाइस, अगेन दिस इज बैकअप स्टूडियो। ओके, ये हमारा स्टूडियो अजमेर है, आई डू इवनिंग शो फॉर अजमेर। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये देखो, ये कंसोल आपको बिल्कुल अलग नजर आएगा। हाँ, ये थोड़ा सुंदर ज्यादा है, ये डिजिटल, ये नया है। ओके, वो कब क्या एड बजेगा, कब क्या चलेगा, अभी आज हमने क्योंकि लेजेंडरी सिंगर को खो दिया इसलिए हमारा रेडियो। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। सो ये टू से हम वन पे आएंगे, ये रेडियो चलेगा। ओके ओके, केके का गाना टच में, क्या कमाल के सिंगर थे यार, बिल्कुल यार बिल्कुल, उसमें सिर्फ और सिर्फ केके सर के ही वो थे, और आज मतलब इज नो मोर विद अस, इट्स अ बिग बिग लॉस। और अभी ये दो दिन तो बहुत ही बहुत बुरे गए, दो बड़े सिंगर हमारे बीच अब नहीं है, तो मतलब कल हम लोग उससे उभरे ही नहीं थे। आई थिंक दिस ईयर इज इन टर्म्स ऑफ यू नो सिंगर्स तो थोड़ा सा बुरा ही रहा है, लता मंगेशकर जी, हाँ जी, बप्पी दा। सो दिस इज रेडियो और आज केके के गाने चल रहे हैं, पूरे केके लाइनर बिल्कुल है ना, ये हमारा फोन लाइन है, अगर आप हमें कॉल करते हो तो okay, वो जो आवाज है वो बीच बीच में आप किसी से बात करते हो, ये कॉल उठ जाता है और यहाँ से हम लोग इसको पिक करके, हाँ जी कौन बात कर रहे हैं, एक बार लोग बोलते हैं मैम ये एड इतने ज्यादा क्यों चल रहे हैं, नहीं चलाते एड आरजीस, तो उसे बोलने का काम है, मैम ये वाला गाना मत चलाओ, एपी ढिल्लो का चलाओ, अरे एपी ढिल्लो के गाने है ही नहीं हमारी प्लेलिस्ट में। अच्छा मतलब ये सही में बात करते हो आप लोगों से? अरे लोग एक्चुअली कॉल करके यही बोलते हैं कि मैम ये वाला गाना मत चलाओ, ये चलाओ, नाइस है। लोगों ने बड़ा एक्साइटमेंट होता है रेडियो में आज भी कि हम ना कोई ना कोई गिफ्ट वाउचर जीत लें वहां से, अगर कोई भी कॉन्टेस्ट चल रहा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई, हमने कुछ क्वेश्चन पूछा कि जल्दी से बताओ इस फिल्म में कौन सी लीड एक्ट्रेस होने वाली है, तो वो अगर सही रिप्लाई करते तो ऑब्वियसली उनको मूवी वाउचर्स और ये सब जीतने का मौका मिलता है। देखो मेरी हैप्पी है। नाइस, अभी भी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आपको एक ट्रिप स्पॉन्सर हो सकती है, जिसमें आपको पुष्कर और उदयपुर आप जा सकते हो, व्लॉग करो, वेकेशन पे जाओ, बिल्कुल वहाँ पर आपको 2 days 3 nights है ना। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन भेज दूंगा इनके पेज का, रेडियो सिटी राजस्थान का, तो आप वहाँ जाके बाकी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, और हमारी ऑडियंस को भी किसी को भी हम सेलेक्ट करके एक हमारी तरफ से भी देंगे वाउचर। यस, इट्स अ गिव अवे। ओह माय गॉड, गाइस मैं तुम लोगों के पेज पे है ना वैसे पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, अब मुझे आप सुनने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी सूरज को ना मतलब आरजे बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा सिक्योरिटी हुई, चल चल चल, अरे इसे बोल रहा हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है यस, बिकॉज हमें पता चलता है ना हम क्या बोल रहे हैं। बुद्धू, गिव द हेडफोन्स टू यशी एंड शी विल रिकॉर्ड। ओके, बाइक पे रिकॉर्ड करो। गुड मॉर्निंग जयपुर, हम आ चुके हैं रेडियो सिटी के स्टूडियो में और हम अभी अभी मिले हैं टशन बाज बिल्लो। यार टशन बाज बिल्लो सुन के ना मैं ऐसे डर गई थी थोड़ा सा, लेकिन तो इन पर्सन मिली तो मुझे पता चला बड़ी स्वीट है, यहाँ पर सारे लोग बड़े स्वीट है। गाइस आर स्टूडियो जस्ट गॉट हाईजैक,
चलो लेट्स गो अभी। मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी थी इस चीज की, ये सब चलता कैसे, आज पता चला थोड़ा सा। जिम पहले इन्होंने पूछा जिम कैसा चल रहा है, और फिर एकदम से ये हमारे सामने देखो क्या रख दिया है। चलो अभी निकलते हैं हम लोग। ओके बाय 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 बाय। अभी बोल दूं या एंड में बोलना है? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स। वाह वेरी नाइस। आप खोल के देखना, मैं तो ये बताऊंगा कि एक और ब्लॉग आप बढ़िया से घूमने और जाओगे तो ये ब्लॉग हम नहीं आप लोगों में से किसी को देंगे। यस, ये टिकट्स हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए होगी। यस, हमारी गाड़ी कुछ इस तरीके से लगी हुई कि सूरज को इस वाली सीट से उधर जाना पड़ रहा है और पहनो टाइट जीन्स। बड़ा मजा आया आज यहाँ पर इतने टाइम बाद वापस आने में, और आज एक अलग ही एनर्जी थी, मजा भी करे घूमे दे रहे। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से फ्लैट, क्योंकि हम कल निकलने वाले वापस से कहीं पर। हमारे जस्ट आगे फायर एक्सटिंग्विशर वो चल रहा है ट्रक। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, जयपुर में आग लग कहाँ से रही है और धुआं भी उठ रहा है, हमें भी दिख रहा है राइट से ना। जयपुर में पता नहीं इतनी आग कैसे लग रही है, हर दिन आए दिन कुछ नया का नया सुनने को मिल रहा है। गाइस गाइस गाइस, क्या हुआ, क्या मिला है, दिखाओ। अरे दिखाओ, ये ऑडियंस के लिए है। क्या दिखाओ, क्या दिखाओ यार, देख तो ले दो हमको। टू डेज थ्री नाइट्स का होटल बुकिंग मुंबई? नहीं नहीं नहीं, आपने राजस्थान कही है। राजस्थान की दो जगह, उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। बेस्ट ट्रैवलिंग लोकेशंस तो ये ऑडियंस में से किसी एक को मिलेगा। एंड इसके रूल्स भी आपको जल्दी अभी बता देंगे। यशी डिसाइड करेगी किस चीज को, ये वो वाला जो पार्टिसिपेशन है वो तो अलग है। हाँ, वो अलग है, वो तो अलग है, उसमें भी जीत सकते हो अलग से। ये तो हमारे को मिला है जो कि हम आपको देना चाहते हैं, तो ये यशी डिसाइड करेगी उसके इंस्टाग्राम पे। पकड़ एक सेकंड, मैं नहीं करूंगी। नहीं नहीं, तू डिसाइड करेगी, बहुत मुश्किल काम है। तो सब यशी को इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप करिए। ये राजस्थान की लोकेशन है, ठीक है, दो लोकेशन है, जिसने सही गैस कर लिया एक ही मैसेज ड्रॉप कर सकते हो आप। कोई भी सिटी का नाम लिखकर भेजना है आपको, एक ही मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, वो लिख के भेजो, जो सही भेजेगा उनमें से लकी विनर चूज हो जाएगा। चलो देखते हैं ठीक है। यशी की इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट मैसेज करिए और यशी को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। क्या है लंच में आज? भिंडी की सब्जी और पराठा, सॉरी रोटी, भूख के मारे मुझे रोटी पराठा दिख रही है। अरे कैसा है रवि यार? बढ़िया यार, तू तो मोटा हो गया रवि। हमारा बहुत ही पुराना, बहुत ही पुराना मेंबर, बहुत पुराना, लेकिन ये मिले हुए ऑडियंस मिली हुई है। लेकिन ये साल में जब इसका बर्थडे होता है। रवि, अरे भगवान हैप्पी बर्थडे बोल रही, उसको ध्यान नहीं है। और कैसा है? बस बहुत बढ़िया। और परेशान ऐसी करी केक की? हाँ, ये क्या ऐसी कर दी? कंप्लेन कर यार, मेरी चेहरी भी खराब हो गई यार। हमें हमारा ऑर्डर का पूरा कॉम्पेंसेशन मिल चुका है। मिलना ही था भाई, फोटो देख के खुद डर गए होंगे, बल्कि डिलीवर कर दिया केक की जगह। इसको पैसा जादू क्या? अगली बार रवि तेरे लिए ना मीकू के हाथ से बनाऊंगा केक। हाँ, जो तो कभी खाई ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू रवि। हाँ, चल चल चल, आपने खिलाया ना? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये सब आपके लिए, थैंक यू। अभी ना मेरे को जाना है पार्लर, मैंने इसको बोला था मुझे लेके चलना। मुझे पता क्या बोलता है कि तू है ना उससे चली जा कैब से, और है ना मैं जिम जा रहा हूँ। अरे तू क्या गलत, मैं आई 20 क्यों, मेरे को क्यों दिलाती, तूने मेरे माँ बाप को आई 20 दे दी, मुझे क्या दिया तूने मेरे बर्थडे पे, पता तू चलाती नहीं थी वो ले गए। सब चलाती थी मैं, इसलिए दे दी इसने। एटलीस्ट क्यूट कपल्स चला तो रहे हैं उसको, वो क्यूट कपल्स सब्जी लेने जाते हैं साइड में। मैं ना एक दिन गई थी उनके साथ, अभी थोड़ी देर पहले। यार एक काम कर दो, उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दे, ताऊ जी से पुराने गाने डलवाऊंगा। हां पता, उस दिन मैंने उन दोनों को कॉल किया, वो लोग जौरी बाजार साइड गए थे, तो उन्हें गाने सुन रहे मस्त पुराने। तो यार क्या है, पुराने दिन याद कर रहे हैं वो कॉलेज वाले। ओके सो आई एम डन विथ माय मुझे, देखो एकदम रेड हो गई हूँ मैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा पतली है, इसलिए चीज होती है। और मैंने डैडी को कॉल कर दिया, मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। ये आ गए डैडी, ये देखना ये गाड़ी कैसी चलाते हैं, ये देखो कैसे गाड़ी चलाते हैं मेरी तरह, एकदम आगे होके सुनाएंगे। नहीं आपने फिर एक्सीलेटर ज्यादा दिया, आपको बोला ना कम दो एक्सीलेटर, इनको ना गाड़ी चलानी नहीं आती। अरे तो यार एकदम से थोड़ी सेट हो जाएगा यार। तो मैं वही कह रही हूँ डैडी, अपनी आदत है इसको चेंज करो। गर्मियों में सबसे अच्छी चीज आमरस,
करवाया सब कुछ मुच्छड़ हटवा लिया। मेरे को भी घर से बैग वगैरह लेकर आना है क्योंकि कपड़े बैग सब घर पे पड़ा है यार मेरा, क्योंकि सब धुलने गया था ना एक साथ। चलो गाइस, और हमें पता नहीं कुछ पता नहीं, बस हमें ये पता है कि हम कल यहाँ से मुंबई एयरपोर्ट जा रहे हैं और वो भी आज डिसाइड हुआ है, डन हो गया कि मुंबई एयरपोर्ट जा रहे हैं। वहाँ से कहाँ जा रहे हैं कहाँ जाना कुछ नहीं बताया लखन भाई ने, कल पता चलेगा। तो गाइस ये पैकिंग वगैरह करते हैं, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया, अगर एंजॉय किया लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं कल, बाय।